हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लक्ष्मी लाइव ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड, ये मेरा यस्टरडे का पिक है। हम अशाई जी के दर्शन के लिए गए थे, तो सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा दर्शन करा लेते हैं। बहुत ही मन को शांति मिलती है और गुरुवार के दिन आरती पूजा भी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ऐसे आपका बहुत बड़ा एरिया लेके ये मंदिर स्थापित है। और अंदर से वीडियो क्लिप नहीं करना है, तो मैंने बाहर से थोड़ा सा क्लिप बना लिया था ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर सकूं, आप लोग भी मेरे साथ दर्शन कर ले। तो ठीक आपका साईं जी के मंदिर के साइड में ये गणपति जी का स्थापना है और इसके अंदर भगवान जी का बहुत ही बड़ा प्यारा मूर्ति है साईं जी का। और एंट्रेंस में ही आपका माँ काली जी का मंदिर है, तो बहुत ही प्यारा लगा, है ना फ्रेंड। देखिए, तो मंदिर में बहुत अंधेरा था तो ये मैंने घर में एक क्लिक लिया था। कैसी लग रही हूँ? और चलिए आप लोगों को थोड़ा सा बचपन में लेके चले, कौन कौन ऐसे बचपन में तितलियों के पीछे भागता था। मैं तो बहुत भागती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है तितलियों को ऐसे पीछे पीछे भागना, लेकिन बहुत गलत बात है, तब हमें समझ में नहीं आता था। तो आपको लग रहा होगा कि इस तितली के पीछे मैं अभी ऐसे पीछे जा रही हूँ और उसको उंगली ऐसे दे रही हूँ। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि फ्रेंड ये अपना रास्ता ढूंढ ले ताकि ये निकल जाए, क्योंकि घर में दो दो तीन तीन फ़ैन चलते हैं, तो फ़ैन के नीचे फ़ैन के अंदर अगर ये आ जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा ना, तो ये मर जाएगी बेचारी। तो पता नहीं, मैं कोशिश कर रही थी कि इसको बाहर निकाल दूँ, तो मैं धीरे धीरे करके इसको जो खिड़की का डोर में पार्ट जो खुला हुआ है, देखिए वो निकल गई है, अब आराम से चली जाएगी। इतना प्यारा था ना फ्रेंड, मैं क्या बोलूँ। तो देखिए निकल गई है, तो बहुत ही मन को अच्छा लगा। कभी कभी मरा हुआ घर में मिलता है तो एकदम अजीब लगता है, है ना फ्रेंड। ये टाइम हुआ है 11:30 और 11:30 से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब ने मेरे बालों का इतना तारीफ़ की है और मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे अपने बाल बहुत पसंद है, मुझे अपने हेयर से बहुत प्यार है। और मेरे हेयर मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, सब पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ़ें लूटना किसी पसंद नहीं है, है ना फ्रेंड। तो सब जब तारीफ़ें करते हैं बहुत अच्छा लगता है और मन करता है और भी अच्छा करे। आप लोगों को मेरा सीक्रेट बताते हुए बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि अगर कोई किसी एक का भी हेयर अच्छा हुआ ना, मेरे जो नुस्खे हैं, मेरे जो टिप्स है, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी फ्रेंड। तो देखिए मेरा हेयर कितना लंबा है, मेरा हेयर पीछे से कैसा दिखता है ये भी देख लीजिए, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो कि जो मैं रेमेडी यूज़ करती हूँ ताकि इससे आप लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो। तो देखिए बहुत ही लंबा हेयर है मेरा, कैसा लगा? अगर मेरा हेयर आप लोगों को अच्छा लगा तभी तो आपको पसंद आएगा कि मेरा टिप सही है, है ना। अगर मैं अपने हेयर को अच्छा और हेल्दी रख सकती हूँ इन सारी चीज़ों से, तो डेफिनेटली आप भी रख सकोगे, तभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ ये मेरा सीक्रेट लेके। तो देखिए ये है मेहंदी, और ये आपका रेड चिली पाउडर नहीं है, ये कॉफ़ी पाउडर है, और ये है चाय की पत्ती। तो अपने क्वांटिटी हिसाब से ले लीजिएगा, और इस फोक से मैं मिक्स करूँगी। तो आइए कैसे ये पैक बनाती हूँ मैं दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये हर्बल मेहंदी है पतंजलि का, बहुत ही अच्छा है, इससे मेरे बाल नहीं झड़ते हैं, बहुत अच्छा है। और ये चाय पत्ती भी हर्बल ही है, तो हर्बल चीज़ हार्म नहीं करता है। ऐसे बोलते तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं हर्बल ही यूज़ करूँ। तो चाय पत्ती को अच्छे से उबाल लेना है, पानी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो देखिए अच्छे से उबाल आ गया है मेरा चाय पत्ती में, अब अच्छे से छान लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी। अगर ज़्यादा डाल दी तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, फिर लगाने में दिक्कत होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, अब मैं कॉफ़ी पाउडर भी डाल दूँगी। तो कॉफ़ी पाउडर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। अब ये चाय पत्ती और थोड़ा सा चाहिए,
चाय पत्ते के पानी, तो और थोड़ा सा डाल दिया है, और ये चाय पत्ते जो बचा हुआ चाय पत्ती है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से घोल को मिक्स कर लीजिए एकदम बहुत ही अच्छे से, और पूरा एक दिन आप रख दीजिए, या तो इंस्टेंट भी लगा सकते हो। तो रेडी हो गया है मेरा, और ये देखिए, ये इसका वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दिया है कैसे मैंने बनाया। तो मैं बस यही इसी टाइप, ये तो बस नंबर नहीं दूंगी, मैं बहुत वैरायटीज की लगाती हूँ। जो घोल है, इस घोल को मैं बहुत टाइप करके लगाती हूँ। मैं अगर आप वीडियो बनाओ ना, 10 वीडियो कम से कम बनेंगे। कभी इसके साथ लेमन दे के, कभी इसके साथ अनियन का जूस दे के, ऐसे करके आप अदल बदल के लगाओगे ना फ्रेंड, आपका हेयर अच्छा हो गए, ग्रोथ हो गई, और बाल झड़ना भी कम हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ वही दिखा रही हूँ, ये बेसिक सा है, और बाकी बहुत सारा ऐसा है मैं जो लगाती हूँ, वैराइटीज़ लगाती हूँ मैं बहुत अदल बदल के, कभी ये लगाती हूँ कभी वो लगाती हूँ। तो वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ कभी मैं वो भी शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए हो। एकदम बहुत ही माइल्ड सा शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, और सेम वही कंडीशनर यूज़ करती हूँ। फ्रेंड, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी हेल्प हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा वीडियो आज मैं लाई थी आप लोगों के सामने। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए हैं, और जो मेरे पुराने फ्रेंड है वो तो है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड, अच्छे से देखिएगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। लव यू ऑल।